कभी कभी ये मैं सोच रहा हूं क्या सिर्फ ईवीएम का विरोध करते हैं? जी नहीं, हमने विरोधी दल का मतलब मुझे लगता है कि लेटर एंड स्पिरिट में पकड़ लिया है। विरोधी यानी विरोधी करना, अपोजिशन मतलब अपोजिशन ही करना। मुझे याद है इसी सदन में मैं बैठा था और विद्वान लोग ऐसा भाषण कर रहे थे, बड़े बड़े, अपने आप को ऐसा मानते हैं जब भगवान बुद्धि बांटने निकला तो वही पहले कतार में खड़े थे, ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे, और उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन संभव नहीं है, गरीब आदमी को डिजिटल कैसे, मोबाइल फोन कैसे पकड़ेगा, ऐसे भाषण हुए थे। मैं हैरान हूं जी, उसका भी हमने विरोध किया, हमने आधार को विरोध किया। आप जब थे आधार महान, हम जब आधार से करप्शन को कम करने की कोशिश कर रहे तो आधार संकट हो गया, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखट रहे हैं आधार को रोकने के लिए कोशिश कर। हम अगर आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं, नया इंडिया बनाना चाहते हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी से कितना दूर भागेंगे? सेफगार्ड के लिए सचेत प्रयास करना, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है और उसमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, समय से प्रोवाइड करती है, लेकिन हम चीजों से भागते रहेंगे। जीएसटी उसका विरोध, ईवीएम उसका विरोध, डिजिटल उसका विरोध, बीम ऐप उसका विरोध, हर चीज में यह नकारात्मकता। और इस पराजय बहुत कारणों की चर्चा होती है, मुझे क्षमा करना, इस सदन में जिन दलों का व्यवहार पिछले 5 साल, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, रुकावट डालने का रहा है, अड़ंगे डालने का रहा है, जन सामान्य के निर्णय से बैठी हुई सरकार को काम न करने का रहा है, उन सबको देशवासियों ने सजा की है। यानी राज्यसभा में जो गतिविधि होती है, आज देश का मतदाता इतना समझदार है वो भी इन चीजों को नोटिस कर रहा है, और अपना नतीजा देते समय सिर्फ लोकसभा में किसने क्या किया उस पर नहीं, राज्यसभा में किसने क्या किया उसके आधार पर भी वोट कर रहा है, ये चुनाव में देखा गया है, और उससे आने वाले 5 साल का सबक सीखने के लिए अवसर है सबके लिए है कि हम राज्यसभा में चुनी हुई सरकार की बातों को कहां कहां रोकते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा।